नमस्कार दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर गंगा यमुना नदी को लेकर आई है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश डूबने की कगार पर। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश से गंगा यमुना के जलस्तर में खासा दोस्तों बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश से कैन और बेतवा नदियों के जरिए पानी यमुना में आएगा, जिसका सबसे ज्यादा असर प्रयागराज में पड़ने की आशंका है। मध्य प्रदेश में कई दिन से भारी से अत्यंत भारी बारिश हो रही है, वहाँ कई नदियाँ उफान पर है, काफी इलाके में बाढ़ की चपेट में है। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश का पानी जल्द ही यमुना के अंदर छोड़ दिया जाएगा। सिंचाई विभाग बाढ़ खंड को इसका संदेश भी आ चुका है। कैन और बेतवा नदी पर बने कई बांधों से पानी छोड़े जाने लगा है। ये पानी कुछ ही दिन के भीतर प्रयागराज में पहुंच जाएगा। इसी तरह उत्तराखंड में भी भारी से अत्यंत भारी बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। इसके चलते गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। फापामऊ में गंगा का जलस्तर रविवार रात 8 बजे 76.38 मीटर था, तो सोमवार सुबह 8 बजे तक यह 13 सेंटीमीटर बढ़कर 76.51 मीटर पहुंच गया है। शाम को 76.59 मीटर पहुंच गया। इसी तरह यमुना का जलस्तर 72.31 से सोमवार सुबह 8 बजे तक 72.34 मीटर हो गया है। यानी कि प्रयागराज के अंदर भयंकर दोस्तों नदियां बेकाबू हो सकती हैं, हाई अलर्ट जारी कर दिया है। गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम प्रयागराज के अंदर है, और ऐसे में यहां पर दोस्तों नदियों के अंदर लगातार पानी की आवक हो रही है। इसलिए सरकार भी दोस्तों पहले ही पूरे बंदोबस्त कर रही है और यहां पर पहले से ही नाव तैनात कर दी गई हैं। साथ ही दोस्तों जगह जगह कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए हैं। वहीं दोस्तों सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, और दोस्तों गंगा और यमुना के आसपास जितने भी लोग रहते हैं उन्हें सावधान रहने को कहा गया है। निचले इलाकों को अलर्ट कर दिया है, कभी भी गंगा और यमुना नदी बेकाबू हो सकती है, इसलिए आप सभी सावधान रहें, नदी नालों के पास ना जाएं। और इस समय मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वहीं दोस्तों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भारी से अत्यंत भारी बारिश हो रही है। सबसे ज़्यादा पहाड़ी इलाकों पर भारी बारिश के चलते दोस्तों नदी नाले उफान पर आए हैं। गुजरात के अंदर सूपड़ा साफ हो गया है, यहाँ पर अब तक 79 लोगों की मौत हो गई है। 3 जिले पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं, लगातार हाहाकार मचा है। उधर मुंबई के अंदर भी बाढ़ आ गई है, यानी कि भारत के हर क्षेत्र में भयंकर बाढ़ बर्बादी। झारखंड, केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, वहीं दोस्तों तमिलनाडु, असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सभी राज्यों के अंदर हाई अलर्ट जारी है। और यहां पर ताबड़तोड़ बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। सैकड़ों लोगों की अब तक मौत हो गई है, और दोस्तों कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। अमरनाथ के अंदर बादल फूटा हुआ, और अब उत्तर प्रदेश के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आप सभी दोस्तों सावधान रहें, इस समय नदी नालों के पास ना जाएं, पहाड़ी इलाकों पर भी ना जाएं, क्योंकि लगातार भयंकर भूस्खलन हो रहा है। इसलिए अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, घर रहे हैं। और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, वहां का वर्तमान मौसम कैसा है कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब।